अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, अफजल ट्यूटोरियल पॉइंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम इस विवाद आप लोगों के साथ इसी चैनल के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट बुक्स की रिव्यूज शेयर करने की कोशिश करेंगे और मकसद यही है कि किस तरह हम सोसाइटी में किताब फ्रेंडली और किताबगिरी की शौक को उजागर कर सके। इसी सिलसिले में आज मेरे साथ मौजूद है वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी सर सुफियान। वेलकम टू यू सर एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सर सुफियान जामिया सवाबी के शोबा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में पढ़ाने और सिखाने से मुंसलिक हैं और अपनी खिदमत बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर अफजल, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपकी इस कोशिश को सराहूँ कि आपने अपनी स्टडीज के टाइम के बावजूद इतनी अच्छी एफर्ट शुरू की है, माशाल्लाह। आएंगे बुक रिव्यू की तरफ। इट्स नॉट मोर ऑफ अ बुक रिव्यू, ये तो मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन एक मैसेज के तौर पे पेश करना चाहूँगा। जैसे आप किसी भी कंपनी को या कोई स्मार्टफोन जब भी आप लेते हैं, कोई लैपटॉप लेते हैं या आप एक गाड़ी लेते हैं, तो उसके साथ ज़रूर एक मैनुअल आता है कि इसको आप किस तरह से एक बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप उसको उसी मैनुअल के तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो मकसद होता है वो भी पूरा करता है, बल्कि इंतहाई अफजल तरीके से वो काम, वो मोबाइल फ़ोन, वो लैपटॉप, वो गाड़ी पूरा करता है। अगर इंसान सोचे तो अल्लाह ताला ने ख़ासकर हम मुसलमानों के साथ ऐसा ही एक मैनुअल भेजा है कि हमने इस दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारनी, किस तरीके के मुताबिक गुजारनी, और वो हम सब के घरों में मौजूद है कुरान शरीफ के नाम से। एक हदीस में है कि अल्लाह ताला के कलाम को बाकी तमाम कलामों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे अल्लाह ताला को अपनी मखलूक पर फजीलत हासिल है। तो हम लोग स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कितनी किताबें पढ़ते हैं। कुछ लोग रूमीज को तौर पर न जाने कितनी बुक्स पढ़ लेते, पर ये वो किताब जिसमें हमारी ज़िंदगी का मकसद है, जिसमें हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, हम पढ़ते तो हैं पर उसे समझने की, उसकी हिकमत को समझने की। कुरान शरीफ का एक मौजा ये कि आप इसे जितनी दफ़ा पढ़ेंगे तो हर दफ़ा कुछ नया सीखेंगे, तो इसका इलम ख़त्म ही नहीं हो सकता। आप उसको कॉन्टीन्यूसली आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो आज मैं थोड़ा बहुत कुरान शरीफ से मुतालिक आपको कुछ पैगाम देना चाहूँगा। रिव्यू तो मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मैं ख़ुद इसका तालिबे इल्म हूँ, शायद सारी ज़िंदगी इसका तालिबे इल्म हूँ, पर एक सफ़र है, एक जर्नी है जो मैंने शुरू कर दी है और मैं चाहता हूँ कि आप सब शुरू करें और हम सब इसको समझने की कोशिश करें, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। कुरान शरीफ ने चार मकाम पर सूरह बकरा 129 नंबर आयत में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की तामीर करते हैं, उसकी बुनियाद रखते हैं, तो 129 नंबर आयत को ये दुआ फरमाते हैं। मैं उसका मफहूम बयान करूँगा कि अल्लाह ताला हमारी नस्ल में एक पैगंबर भेजें जो लोगों को आपकी आयात सुने, उनको किताब सिखाए, उनको हिकमत सिखाए और उन्हें पाक करे। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। इसी दुआ का जवाब 151 नंबर आयत में सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई तो जवाब दिया कि हमने भेज दिया है आपके दरमियान एक पैगंबर जो आपको अल्लाह की आयात सुनाएंगे और सबसे पहले पाक करेंगे, आपके दिल को पाक करेंगे, उसके बाद आपको किताब सिखाएंगे, उसके बाद आपको हिकमत सिखाएंगे। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का मकसद बड़े ही साफ अल्फाज थे कि उसका मकसद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का मकसद अल्लाह ताला की आयात लोगों को सुनाना, उसके ज़रिए से उनके दिल को पाक करना, उनको एक किताब सिखाना और उनको हिकमत सिखाना। फिर सूरह इमरान में 164 नंबर आयत में एक दफ़ा फिर सेम यही बातें कि अल्लाह ताला ने लोगों पर एक बहुत बड़ा एहसान किया जब उनके दरमियान से एक पैगम्बर को उठाया जो उन्हें अल्लाह ताला की आयात सुनाए, जो उन्हें पाक करे, फिर उन्हें किताब सिखाए, फिर हिकमत, और फिर सूरह जुम्मा में सेम आया। तो ज़रा आप सोचें कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया ताकि कुरान शरीफ आप लोगों तक पहुँचाए। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए कुरान शरीफ की एक प्रैक्टिकल फॉर्म, सुन्नत और हदीस के तौर पर, और वो एक ऐसी किताब हो जिसका इल्म ख़त्म होने वाला ना हो। तो ज़रा आप भी सोचिए, मैं भी सोचूँ कि हमने उस किताब को कितना टाइम दिया। हम तो बाकी जो लोगों आथर्स ने लिखी होती हैं कितना पढ़ते हैं उसे।
और उसके मुकाबले में ये बुक जो हमारी इस दुनिया और आखिरत दोनों का मकसद है, हमने इसे कितना टाइम दिया, सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं समझने की हद तक कितना टाइम दिया। इसमें हर एक सूरत एक अलग पैगाम लेकर आती है। जैसे अगर मैं आपसे, हम लोग अक्सर बात करते हैं दज्जाल के फितने की, या जो फितना जो इतना बड़ा फितना है जो हमारी खासकर उम्मत पर आएगा, जिससे हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खबरदार किया और हमें कहा कि आप सूरह काफ पढ़ें जुम्मे के दिन खासकर, ताकि आप दज्जाल के फितने से आपको बच सकें। और अगर पूरा सूरह काफ नहीं पढ़ सकते तो उसकी पहले 10 आयतें और आखिरी 10 आयतें अभी हम पढ़ते तो हैं, पर कभी हमने समझने की कोशिश की कि उन आयात में असल में है? अगर आप पहली 10 आयात का जायज़ा लें तो जो बहुत बड़ा फितना आएगा वो है क्या? तो अब वो सातवीं आयत में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। उसका जवाब ये है कि मैंने इस दुनिया की चीज़ें और इस दुनिया की ज़िंदगी आपके लिए खूबसूरत कर दी है ताकि मैं आपको आजमा सकूँ। मतलब इस दुनिया की मोहब्बत आपकी इतनी बढ़ जाएगी कि आप अल्लाह के अहकाम से हटना शुरू हो जाएंगे, आपके पास आखिरत की फिक्र नहीं रहेगी। तो आजकल हो क्या रहा है? आजकल हम में से कितने हैं जो इस दुनिया में इतने खो चुके हैं, कैरियर पबजी, ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक, गाड़ी, घर, बच्चे, जायदाद। ज़रा सोचिएगा कि हम अपनी ज़िंदगी का कितना टाइम जो है वो हमारी असल मकसद को दे रहे हैं और कितना टाइम जो है वो इन चीज़ों को दे रहे हैं। असल फितना 7 नंबर आयात सूरह काफ में खुल कर रहा है। और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? पहली, दूसरी, तीसरी आयात में अल्लाह ताला ने बयान कर कि अल्लाह ताला ने ये किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की। ये बिल्कुल सीधी किताब है, ये जिसके दिल में उतर गई वो इस फितने से बच गया। अब हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इस किताब को अपने दिल में उतारें, और इसको दिल में उतारने के लिए ज़रूरी है कि आपका दिल पाक हो, और दिल को पाक करने के लिए इसको समझना, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एज ए स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट ऑफ कुरान शरीफ जो इसे समझने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या आप उसको समझना चाहें तो मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ। आपके साथ मेरी इन्फॉर्मेशन शेयर भी हो जाएगी, मैं आपसे शेयर भी करूँगा, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम मिलकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर एक दो सूरत का रेफरेंस देना चाहूँगा, कुछ आयात का। सूरह बकरा हम सब ने पढ़ी होगी, पर क्या आपने कभी उसे समझा कि सूरह बकरा का मेन क्रक्स, मेन जो पॉइंट है, मेन फोकस क्या है? अगर आप सूरह बकरा को सही समझना शुरू करें तो आपको समझ आएगी कि सूरह बकरा स्टार्ट से और एंड से एक जैसे टॉपिक लेके चलता है, और दरमियान में जो उसकी मेन पॉइंट है, जो बिल्कुल मेन पॉइंट है, उस पर आप सूरह बकरा में टोटल 286 आयत हैं, 286, और उसका जो बिल्कुल मिडल बनता है वो 143 आयत है। 143 आयत किस बारे में? उसमें कहा है कि हमने आपको उम्मत वस्ता बनाया है, दरमियान की उम्मत बनाया है। सूरह बकरा का मेन मकसद भी है कि हमने एक नई उम्मत बना दी है हमारी सूरत में, इसकी क्रिएशन हुई है, इन्हें कुछ लाज दिए गए हैं, कुछ कवानीन दिए गए हैं जिनका जिक्र किया गया है। और एग्जांपल के तौर पे हमें बनी इसराइल का बताया गया है कि हमने उन्हें फजीलत दी थी, उन्हें कवानीन दिए थे, पर उन्होंने वो फॉलो नहीं किए, जिसकी वजह से वो रुसवा हो गई। अब आप एक नई उम्मत बने हो, आपको ये कवानीन दिए गए हैं, आपको ये लाज दिए गए हैं, अब आपको देखेंगे कि आप इसे फॉलो करते हैं या नहीं फॉलो करते। और फिर सूरह इमरान का मैं आपको रेफरेंस दूंगा। सूरह इमरान में काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, ऐसे सूरह बकरा में काफ़ी टॉपिक्स, तो उसका मेन पॉइंट पे जब आप आएंगे, बिल्कुल मेन पॉइंट पे, 110 नंबर आयत, उसमें टोटल 200 आयत हैं, 110 नंबर आयत में आए, तो उसमें ये उम्मत तो बन गई, इसका काम क्या हो गया, इसकी ड्यूटी क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? 110 नंबर आयत में अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, उसका मफहूम ये है कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है, लोगों की नफा रसानी के लिए निकाला गया है, ताकि तुम उन्हें अमर बिल मारूफ करो और नहीं अनिल मुनकर करो। एक नई उम्मत बनी, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन भी आ गया, आप लोगों के लिए निकाले गए हैं, उनकी नफा रसानी के लिए, आप उन्हें अच्छे काम का हुक्म दें और बुरे काम से रोकें। अच्छा काम कुरान शरीफ ने डिफाइन कर दिया, बुरा काम कुरान शरीफ ने डिफाइन कर दिया। ये आप पे है कि आपको एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, आप उसे परफॉर्म करते हैं या नहीं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान शरीफ को पढ़ने और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने और इसे मुकम्मल तरीके से समझने की तौफीक अता